Hello students, now we will be solving memory based questions of gate 19. For more video solution on gate 19, subscribe to our channel and don't forget to click bell icon for instant notification. Hello student, myself Devashish Chakravarti. Today we will solve a question from thermodynamics which came in the set 2, that is in the afternoon set of the gate question. And the question is from thermodynamics, that is the second law of thermodynamics. So first read the question that is written on the board. Let me read it for you. The figure shows a heat engine. So this is the figure. This is the figure working between two reservoirs. So this is the heat engine and this is working between two reservoirs. ये heat engine है जो दो temperature reservoirs के बीच में काम कर रहा है. Question को मैं और संक्षेप में बता देता हूँ. तो यहां से वो कह रहा है कि ये जो heat engine है Q1 heat को ले रहा है और Q2 heat reject कर रहा है at a temperature T2. लोअर टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि T1 सबसे हाई है, T3 उसका मीडियम टेम्परेचर है, T2 सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है. ओके, सो ये जो हीट इंजन है वो दैट इज एक्सेप्टिंग हीट Q1 फ्रॉम द अबव टेम्परेचर T1 एंड देन रिजेक्टिंग Q2 टू दिस लोअर टेम्परेचर T2. देन देयर इज अ हीट पंप, एक हीट पंप लगा हुआ है दैट इज एक्सेप्टिंग Q2 अमाउंट ऑफ वर्क डायरेक्टली फ्रॉम T2. मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये हीट इंजन जो Q2 रिजेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली ये हीट पंप एक्सेप्ट कर रहा है. सो दिस हीट पंप इज एक्सेप्टिंग Q2 एंड देन दिस इज डिलीवरिंग Q3 व्हाइल एक्सेप्टिंग वर्क फ्रॉम द हीट इंजन. ये हीट इंजन जितना भी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो सीधा ये हीट पंप कंज्यूम कर रहा है और ये हीट पंप Q2, मतलब ये जो हीट इंजन जो अपना हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2, उसे ये हीट पंप एक्सेप्ट कर रहा है. साथ में ये हीट इंजन जितना वर्क डेवलप कर रहा है उसे ये हीट पंप एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद इन दोनों का सम Q3 वो रिजेक्ट कर रहा है T3 पे. ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए. अ फिगर शोज अ हीट इंजन HE वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वायर्स. द अमाउंट ऑफ हीट Q2 रिजेक्टेड बाय हीट इंजन इज ड्रॉन बाय अ हीट पंप. द हीट पंप रिसीव्स एंटायर वर्क आउटपुट W ऑफ द हीट इंजन. If temperature T1 is greater than T3 is greater than T2, then the relation between efficiency. अब यहाँ पे question का सबसे important part है. Efficiency हमेशा heat engine की होती है. ध्यान रखिएगा कि efficiency जो होती है that always belongs to the heat engine. We never talk about efficiency when we talk about heat pumps or refrigerator. For them we talk about COP. Okay? So similarly in this question they are asking the relation between the efficiency of this heat engine and the COP of this heat pump. Basically, वो पूछ रहे हैं कि इस heat engine का अगर efficiency को हम नीटा से denote करते हैं और इसका COP है COP, तो उन दोनों के बीच में relation क्या है. अब देखते हैं कि इस equation को हम solve कैसे करते हैं. जी, तो आपके help के लिए इस question इस diagram को मैंने magnify करके बना दिया है. अब देखते हैं कि इसको हम solve कैसे करते हैं. पहली बात जो चीज आपको करना है वो है efficiency और COP को लिख दीजिए. तो efficiency is equal to आउटपुट बाय इनपुट. सो इसका आउटपुट है वर्क और इनपुट है Q1, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब देखिए COP. अब क्वेश्चन में पढ़िएगा, आपके पास क्वेश्चन होगा या स्लाइड में पीछे जाके भी क्वेश्चन देख सकते हैं. उसने COP पूछा था हीट पंप का, रेफ्रिजरेटर का नहीं, हीट पंप का. तो हीट पंप का COP पूछने का मतलब है कि जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो Q3 होता है, राइट? हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट होता है कि लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी पे आप हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं. मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी से आप हीट लेकर के हायर टेम्परेचर बॉडी पे आप हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं. यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड इनटू द हायर टेम्परेचर बॉडी. ओके, सो द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अ हीट पंप इज द हीट ट्रांसफर टू द हायर टेम्परेचर बॉडी. सो हायर टेम्परेचर बॉडी T3 है, जैसा इक्वेशन में लिखा हुआ था कि T2 और T3 में से T3 इज द ग्रेटर वैल्यू. सो दिस इज द हायर टेम्परेचर बॉडी एंड द हीट ट्रांसफर टू द हायर टेम्परेचर बॉडी दैट इज Q3 इज द डिजायर्ड इफेक्ट. तो COP ऑफ हीट पंप नॉट रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज Q3 बाय इनपुट दैट इज वर्क डन. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट लॉ ऑफ TD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए. बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, तो उससे हमें पता चलता है एनर्जी कंजर्वेशन से वर्क इज इक्वल टू
Q1 माइनस Q2, ठीक उसी तरह से Q2 प्लस वर्क इज इक्वल टू Q3, Q2 प्लस वर्क इज इक्वल टू Q3, हमने वर्क का डेफिनेशन अभी लिखा है, तो उसे हम लिख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, या इसे हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं वर्क का डेफिनेशन यहां से लेकर के Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, सो Q3 विल बी सेम एज Q1, राइट? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. सी, पहले हम ये कह रहे हैं कि जो Q3 है दैट इज द एडिशन ऑफ वर्क एंड Q2. वेरी वेल, Q3 इज द एडिशन ऑफ वर्क एंड Q2. और यहां से हम कह रहे हैं वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. इन दोनों रिलेशन को आप जब यूज करेंगे साथ में तो आपको मिलेगा Q3 इज इक्वल टू Q1. फाइन, अब देखते हैं. तो नीटा दैट विल बी रिड्यूस टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 एंड COP दैट विल बी रिड्यूस टू Q1 बाई वर्क एंड वर्क वॉज Q1 माइनस Q2. बेसिकली आपको अब साफ दिख रहा होगा कि COP और नीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. इसका मतलब है COP इज इक्वल टू नीटा रेस टू द पावर माइनस 1. सो आपका ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, COP इज इक्वल टू नीटा रेस टू द पावर माइनस 1. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.